हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी। और हमें मालूम है कि डेल्टा वी का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। अब डेल्टा वी की जो डायमेंशन होती है, या इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तमाम का जो डायमेंशन सिंबल जो निकलेगी वो हमारी एल टी माइनस वन ही निकलेगी, एल टी माइनस वन ही निकलेगी। इस एल टी माइनस वन को उठाएंगे और उसको उठा के हम डेल्टा वी के अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर पुट कर देंगे डेल्टा वी ए इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, ठीक हो गया। और टी की जगह ये लो टी ए अपॉन वी, इस टी की जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू जो कैपिटल टी है, ये एल टी माइनस वन ऊपर वाला अपनी जगह पर ही आ गया। फिर नीचे का जो टी ऊपर जब जाएगा शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टी इनवर्स। हमने पढ़ा था जब कोई पावर नहीं होती तो वन होती है, तो इस प्लस को वन के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बेस जब सेम होंगी, बेस सेम क्या होंगी तो पावर ऐड होती है। ए इज इक्वल टू ये हो गया एल अपनी जगह पर टी माइनस का वन और माइनस का वन, माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो वन वन टू बड़ी वैल्यू का साइन यानी कोई भी एक साइन, तो इस माइनस टू हो जाएगा। ये हमारी डायमेंशन निकल रहा है एक्सीलरेशन की, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक हो गया।